उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए सभी प्रत्याशी जीत तोड़कर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जीत के लिए एक प्रत्याशी के ऊपर अपने ही भाई की हत्या का आरोप लगा है। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के खुर्जा विधानसभा सीट से प्रत्याशी मनोज गौतम पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव में जनता की सहानुभूति हासिल करने के लिए अपने सगे भाई और उसके दोस्त की हत्या कर दी। पुलिस ने मनोज गौतम, उसके दो सहयोगियों और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरएलडी के उम्मीदवार मनोज को लगा कि भाई की हत्या से मिलने वाली जनता की सहानुभूति उसकी चुनावी नैया पार लगा सकती है। पुलिस के मुताबिक दोनों को किडनैप करके पास के जंगल में ले जाया गया। वहां मनोज गौतम की लाइसेंसी पिस्तौल से दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस वारदात में इस्तेमाल मनोज की लाइसेंसी पिस्तौल बरामद कर ली है। इसके अलावा अन्य आरोपियों और मनोज के बीच हुई बातचीत का ऑडियो भी सामने आया है। वहीं मनोज गौतम ने पुलिस की कहानी को झूठा बताया है। वह अपने भाई और उसके दोस्त की हत्या के लिए अपने चुनावी प्रतिद्वंदी और बीएसपी प्रत्याशी अर्जुन सिंह पर आरोप लगा रहे हैं। तो चुनाव में लोगों की सहानुभूति पाने के लिए अपने ही भाई की हत्या, निश्चित रूप से यह महत्वाकांक्षा की राजनीति है, ना कि जनसेवा की। फिलहाल मनोज गौतम को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। देखते रहिए डीबी लाइव।